हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आइए, हमने आपसे जैसा कहा था कि आज कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसी को लेकर मैं आज प्रेजेंट हुआ हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, ठीक है? क्योंकि RRB इस समय जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं 2018 से लेकर 2019 के बीच में, लगभग लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है किसी भी स्टेट से उसके मुख्यमंत्री के बारे में या राज्यपाल के बारे में, ठीक है? तो हम उसी की चर्चा करेंगे आज। और हम शुरू करेंगे, एक तरफ से पढ़ेंगे, मतलब जम्मू कश्मीर से जैसे स्टार्ट करेंगे तो हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे होते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ताकि हमको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? उसी को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला जो हमारा स्टेट है ऊपर से जम्मू कश्मीर है ये, ठीक है? जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल जो है वो सत्यपाल मलिक है, ठीक है? इस समय सत्यपाल मलिक जी हैं यहाँ के राज्यपाल, और यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है? इस समय अनुच्छेद 370 को लेकर यहाँ पर बहस चल रही है, और ये जो है राष्ट्रपति शासन यहाँ पर अभी लागू है, ठीक है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक है, खूब अच्छे से याद करना है हमको, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन मैंने बताया दिया पहले ही आपको। और जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो आप जानते ही हैं, श्रीनगर, ठीक है? तो इसकी कैपिटल के बारे में ऐसे देख लेते हैं हम लोग, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो क्या है? श्रीनगर। इसके साथ साथ हम राजधानियों की बात स्टेट की करते जाएंगे, क्योंकि कभी क्या होता है मिलाने को दे देता है, ठीक है? तो हमको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, राजधानियां भी याद करनी है, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो है श्रीनगर, मैंने बताया आपको। आगे चलते हैं और देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो इस समय राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत, ठीक है? कौन है? आचार्य देवव्रत है, और यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर है यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ की जो राजधानी है वो है शिमला, ठीक है? तो राजधानी को भी आप लोग लिखते चलेंगे साथ में, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, ठीक है? आगे चलते हैं, उत्तराखंड देखते हैं। उत्तराखंड की जो राज्यपाल है, उत्तराखंड की पहले राजधानी हम देखेंगे देहरादून, ठीक है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य, ठीक है? कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत है, ठीक? त्रिवेंद्र सिंह रावत है, सबको दिखाई दे रहा होगा, देहरादून उत्तराखंड, बेबी रानी मौर्य और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है? आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी को पता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री सबको ही पता होंगे, अपने स्टेट का है तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो है राम नाईक जी, और मुख्यमंत्री भाई सभी को पता है, जाना माना नाम योगी आदित्यनाथ, ठीक है? तो योगी आदित्यनाथ जी को याद रखना है, और खासकर राम नाईक जी को, राज्यपाल जो हमारे स्टेट के हैं। बिहार आगे चलते हैं, और बिहार में देखते हैं कि लालजी टंडन जी हैं, ठीक है? और बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, बिहार की राजधानी पटना है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन जी हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है नीतीश कुमार, ठीक? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? आगे चलते हैं हम। और तो उसके बाद बिहार के बाद हम देखते हैं क्या, सिक्किम, ठीक है? सिक्किम की जो राजधानी है, सबसे पहले राजधानी की बात हम करते हैं, राजधानी जो है वो है आपकी गंगटोक, ठीक है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है गंगा प्रसाद। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, इसको ध्यान देना है, और यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तामांग है, ठीक है? प्रेम सिंह तामांग, ठीक है? इसके पहले पवन चामलिंग जी थे, ठीक है? उसके बाद आते हैं असम। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक? असम दिसपुर, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है, ध्यान देना है आपको। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आगे बात करते हैं, इधर हम लिख देते हैं ईटानगर। तो देखिए, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और
स्टेट, इसके साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें यहाँ की जो राजधानियां स्टेट्स की हैं उसको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और इसके साथ साथ आपको जो कैपिटल्स हैं राजधानी है वो भी याद होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो बीडी मिश्रा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू, ठीक है। कौन है? पेमा खांडू। बार बार दोहरा रहा हूँ मैं। और उसके बाद जो आगे चलते हैं, अगला जो स्टेट है नागालैंड है, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी आप क्या है, क्या है नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, यानी कि यहाँ के जो नागा है समझ लीजिए वो बाबा है, बाबा यानी बालकृष्ण, ठीक है। बालकृष्ण, कृष्ण को याद रखिएगा, बालकृष्ण बचपन के कृष्ण को याद रखेंगे। कहाँ रहते हैं कृष्ण? नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा और यहाँ के पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य जी है राज्यपाल। और मुख्यमंत्री को सभी जानते हैं नेफी रियो, काफी चर्चा में रहे थे जब एग्जाम चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री बनाए गए थे नेफी रियो जी। आगे चलते हैं मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो नजमा हेपतुल्ला जी है, नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है, ठीक, एन वीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री है, मणिपुर। क्वेश्चन आया मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। और राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आती आगे तो आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और इसके जो राज्यपाल जगदीश मुखी जी है। अब जो जगदीश मुखी जी को यहाँ का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया, इसके पहले कहाँ के थे, असम के थे। असम के साथ साथ जगदीश मुखी जी मिजोरम का भी कार्यभार देखते हैं, ठीक है। कार्यभार जो है वो मिजोरम का भी देखते हैं, अतिरिक्त प्रभार को सौंपा गया है कि आप असम के साथ साथ मिजोरम का भी कार्यभार देखेंगे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जोरम थांगा है, ठीक है। कौन है? जोरम थांगा जी है, ठीक है। आगे चलते हैं त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी है भाई अगरतला, अगरतला, ठीक है, ध्यान देना है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है के एस सोलंकी, सबको दिखाई देता होगा वैसे तो के एस सोलंकी जी है और अगरतला यहाँ की जो है राजधानी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव, ठीक है। तो विप्लव कुमार देव जो है ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो के एस सोलंकी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बार बार एग्जामों में आ रहा है, पिछली बार आपने देखा रेलवे ग्रुप के में हर सीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था लगभग आगे पीछे करके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी NTPC का एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा उसका, तो ये और उसके बाद ग्रुप डी, ठीक है। तो ग्रुप डी को और NTPC को लेकर आप तरीके से लगे रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, आपको सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला मैंने बताया और इसके बाद यहाँ के राज्यपाल जो है KS सोलंकी जी है और विप्लव कुमार देव, इसको आप बराबर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। तो त्रिपुरा के बाद जो है उसके बाद हम देखते हैं, त्रिपुरा के बाद आपका है मेघालय, ठीक है। तो मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे आप लोगों को, मेघालय की राजधानी जो है वो शिलांग है, ठीक है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं मैंने बताया कि राज्यपाल जो है वो है तथागत राय, ठीक है, तथागत राय और कोनराज संगमा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो चार चीजें याद करने हैं हमको, पहले बात स्टेट, फिर यहाँ की राजधानियां, फिर राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री, क्योंकि चारों चीजों को मैं आपको एक साथ में बता रहा हूँ और सीरियल से बता रहा हूँ ताकि पढ़ने में याद करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है भाई, कलकत्ता, ठीक है, यानी कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता यानी कोलकाता। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है केसरीनाथ त्रिपाठी जी, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो स्टेट की जो राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं ओडिशा, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर,
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल जी हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ध्यान देना है उड़ीसा को उड़ी हुई, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा भुवनेश्वर, गणेशी लाल चतुर गणेशी लाल जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता है हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, और यहाँ के जो राज्यपाल है ESL नरसिम्हन है, ESL नरसिम्हन। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। इसका यहाँ से मैं एरो खींच दे रहा हूँ ताकि आप लोग गलत ना करें, ESL नरसिम्हन, और इसका मैं ये संबंध कर दे रहा हूँ। तो आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन और जगमोहन रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे केरल। केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम होती है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है पी सदशिवम। कौन है? पी सदशिवम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं पी सदशिवम। आगे मैं एरो से खींच कर बता दे रहा हूँ, पी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पी विजयन। कर्नाटक चलते हैं, और कर्नाटक में देखते हैं, कर्नाटक की राजधानी है वो बेंगलुरु है, और बेंगलुरु में जो है राज्यपाल जो है वजू भाई आर वाला, यानी कि कर्नाटक भाई वजू भाई आर वाला यहाँ के जो राज्यपाल हैं। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं HD कुमार स्वामी। कौन है? HD कुमार स्वामी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, कहाँ के राज्यपाल हैं? कर्नाटक के राज्यपाल वजू भाई आर वाला, और मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी। आगे चलते हैं गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, और यहाँ की जो लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, वो कोंकणी है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, बार बार पूछा भी गया है कि गोवा की भाषा क्या है, तो कोंकणी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है मृदुला सिन्हा। ठीक है, गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत। ठीक है, अभी अभी नई नियुक्ति हुई है इनकी, तो प्रमोद सावंत जी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र अगला स्टेट आपका है, तो सी विद्यासागर राव जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। सी विद्यासागर राव राज्यपाल हैं, और यहाँ की जो राजधानी है महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई है। और ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी हैं, और राज्यपाल जो है वो विद्यासागर राव जी हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्रियों को भी साथ में ध्यान देते हुए, तो महाराष्ट्र तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन बीच में एक छूट गया था तमिलनाडु। मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरियल से बता रहा हूँ, आपको तकलीफ पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन वहां पे तमिलनाडु छूट गया था। ठीक है, तो तमिलनाडु मैंने इस बार लिख दिया है, तो तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की मैंने कैपिटल, मैं कैपिटल भी बता रहा हूँ आपको, जैसा कि कैपिटल भी आपको याद हो रहे हैं स्टेट्स के, तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स है ना, तो चेन्नई को याद रखना है तमिलनाडु के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स को। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल वो है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं EK पलानी स्वामी। देखिए, पलानी एक वर्ड आ गया, तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में जो है पलिनी पहाड़ियां भी, ठीक है, पलानी पहाड़ियां से के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं कि EK पलानी स्वामी। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद मैं महाराष्ट्र तक बताया था, महाराष्ट्र के बाद आते हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, सबको पता है ये गांधीनगर, और गांधी जी को सभी जानते हैं ना, नमक तोड़ो दांडी यात्रा वही गुजरात चलते हैं ना साबरमती, तो वहां के जो इस समय राज्यपाल है OP कोहली जी है। ठीक है, OP कोहली है, और वहां से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी है। याद रखना, एक एक फैक्ट को ध्यान से देखना है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल OP कोहली, और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। आगे चलते हैं और देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर यानी पिंक सिटी। ठीक है, गुलाबी शहर। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो जयपुर को। ठीक है, जयपुर सिटी ऑफ इंडिया, भारत का गुलाबी शहर ना, तो कौन है? जयपुर है। तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं कल्याण सिंह हैं। कौन है? कल्याण सिंह। और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और किस पार्टी से हैं भाई अशोक गहलोत जी?
हाथ का पंजा, पंजा मतलब कांग्रेस, ठीक है। तो अशोक गहलोत को याद रखना है मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं पंजाब, पंजाब ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़, चलिए पंजाब। और यहाँ के जो राज्यपाल है बीपी सिंह बदनोर है, कौन है पंजाब के जो राज्यपाल है वो कौन है, बीपी सिंह बदनोर, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह, ये पंजाब है तो पगड़ी को याद रखना है कि नहीं जी, तो अमरिंदर सिंह जी को याद रखिएगा, ठीक है। तो अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। हरियाणा चलते हैं, ठीक है, और हरियाणा के जो राज्यपाल है वो है सत्यनारायण आर्य, ठीक है। तो आर्यों की बात की जाए तो इसी के बगल में आपका कुरुक्षेत्र पड़ता है, ठीक है, आपका पानीपत पड़ता है। तो ये जो युद्ध वाले मैदान है, युद्ध वाला क्षेत्र, यानी आर्य वगैरह होते थे ना तो सूक्ष्म लड़ाई झगड़ा करते, तो उसी आर्य को याद रखते हुए हमें सत्यनारायण आर्य को याद रखना है, यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री वो है मनोहर लाल खट्टर, बहुत खट 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 करते हैं ना, लगता है हमको इसी का इनका नाम मनोहर लाल खट्टर पड़ गया भाई। चलिए तो मनोहर लाल खट्टर जी को याद रखेंगे हम कहाँ, हरियाणा में। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कमलनाथ है, ठीक, कमलनाथ यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री है। झारखंड, झारखंड के जो राज्यपाल है वो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी का नाम तो सभी ने सुना होगा, तो झारखंड को याद रखिएगा कि झारखंड में द्रौपदी थी, और द्रौपदी कौन कौन सी द्रौपदी थी यहाँ पे, द्रौपदी मुर्मू थी, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो रघुवर दास, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि द्रौपदी महाभारत से लेकर आगे और रघुवर को रामायण से लेकर आगे, तो महाभारत और रामायण दोनों कहाँ होता है, झारखंड में हो रहा है, ठीक है। तो द्रौपदी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ की क्या है राज्यपाल रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, ठीक है। दो स्टेट्स है और बचे हैं इसे हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस जो आपको ये बताया जा रहा है 29 राज्यों के नाम, स्टेट्स नेम हो गए उनके, राजधानियां हो गई, ठीक है। उसके बाद वहाँ के जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपालों के नाम बताए जा रहे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट में इसको सबको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाना है, ठीक है। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ बचा था और यहाँ पे तेलंगाना बचा था, ठीक है। तो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के अतिरिक्त प्रभार दिया गया, राज्यपाल है यहाँ के। तो एक चीज ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक दूसरे से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, ठीक है, सटे हुए स्टेट है। और वो वहाँ के जो दोनों राज्यपाल है, एक ही राज्यपाल है, और वो राज्यपाल कौन सा है, आनंदीबेन पटेल। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल का शासन, मतलब राज्यपाल के जो कार्यभार है, आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का चुनाव ये भी हाल ही में हुआ था, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं, ठीक है। तो बघेल को याद रखिएगा, भूपेश बघेल को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कन्फर्म है, ठीक है। और उसके बाद तेलंगाना चलते हैं, और तेलंगाना में देखते हैं ESL नरसिम्हन, इसके पहले भी इस नाम को हमने अभी भी देखा था, पढ़ा था हम लोगों ने ESL नरसिम्हन को, तो वो आंध्र प्रदेश से हमने पढ़ा था। तो तेलंगाना जो था वो तो 2 जून 2014 को बना था, ये तो किससे कट के बना था, आंध्र प्रदेश से ही कट के बना था। तो वहाँ के भी राज्यपाल ESL नरसिम्हन है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री में परिवर्तन है, और ये यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो के चंद्रशेखर राव जी हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये तो रहा स्टेट्स, ठीक है। अब इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं कौन क्या है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था संघीय प्रदेश के बारे में, मैं बता रहा था, तो राज्यपाल और प्रशासक मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ एक चीज है कि यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे राज्यपाल नहीं होते, ठीक है, पहली चीज। वहां पे उपराज्यपाल होते हैं और प्रशासक होते हैं, ठीक है। और ये जो कार्य करते हैं ये राष्ट्रपति के अनुसार करते हैं, राष्ट्रपति जैसा कहता वैसा करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का जो राज्यपाल है वो है बीपी सिंह बदनोर है शासक के रूप में, और ये इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और अतिरिक्त प्रभार इसलिए दिया गया है कि ये चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब के भी राज्यपाल हैं, ठीक है। तो
वहां पे तो इनको राज्यपाल कहा जा रहा था, लेकिन जब ये केंद्र शासित प्रदेश में आए इनको प्रशासक कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है देवेंद्र कुमार जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल है। ठीक है, ध्यान देना है कि हमें राज्यों के राज्यपाल के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल को भी याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन को पूछ देगा। उसके बाद हम पांडिचेरी की बात करते हैं, किरण बेदी यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है वी नारायण स्वामी, वी नारायण स्वामी, किरण बेदी आईपीएस है तो वो किरण बेदी उपराज्यपाल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नारायण स्वामी जी है। दमन द्वीप की बात करें अगर तो दमन द्वीप प्रफुल्ल पटेल जी है और ये प्रशासक है। क्या है? प्रशासक है दमन द्वीप के। यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति के अनुसार कार्य हो रहा है और ये प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक है दमन द्वीप। ठीक है, दमन द्वीप कहाँ है आपका? महाराष्ट्र के पास में है। दादरा एवं नागर हवेली, यहाँ पर भी प्रफुल्ल पटेल को ही राज्यपाल बनाया गया है, प्रशासक बनाया गया है और ये दादरा एवं नागर हवेली के है। आगे देखते हैं तो लक्षद्वीप आता है और लक्षद्वीप के जो प्रशासक है या राज्यपाल है वो है फारूक खान, फारूक खान। ध्यान देना है लक्षद्वीप के प्रशासक या राज्यपाल कौन है? फारूक खान। ठीक है, आगे जो लास्ट में सबसे आता है आपका नेशनल कैपिटल जो है आपकी दिल्ली, उसके जो राज्यपाल है अनिल बैजल हैं और यहाँ के वो राज्यपाल कहलाते हैं। ठीक है, प्रशासक नहीं, राज्यपाल कहलाते हैं। और अरविंद केजरीवाल झाड़ू अपना जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास जो थी ये इम्पोर्टेंस क्लास आप लोगों के लिए, और कल हम इसके आगे जो पढ़ाने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सी होगा भाई। तो यहाँ इसको लाइक करें, क्लास को देखें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही।